हेलो दोस्तों। और मालदीव्स में आज मेरा सेकेंड डे है और आज मैं जा रहा हूँ एक आइलैंड की सफ़र में। और ये आइलैंड का नाम है पुलिडो आइलैंड और इसमें हमें देखने को मिलेगा शार्क और डॉल्फिन वगैरह। और ये मैंने लिया है आज पूरा फुल डे टूर। और ये फुल डे टूर में आपको सब मिल जाएंगे, जैसे कि आपके लंच हो गया, आपकी जो स्नॉर्कलिंग के लिए किट है और टॉवल वगैरह। इस टूर के लिए मैंने यहाँ पे खर्च किया है $50 US। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी आ गया है। और ये है मेरा दोस्त ओलेग, ये रशिया से है और ये एक इंस्टाग्रामर है और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे हैं। अभी अभी हमें दिए गए हैं ये स्नॉर्कलिंग किट, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए स्नॉर्कलिंग किट। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारी ये पुलिडो आइलैंड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोग हैं इस टूर में। तो भाई अभी हम बोट में आ गए हैं और यहाँ पे इस टूर में जितने भी लोग जाएंगे पुलिडो आइलैंड के लिए, तो ये लोग भी सारे लोग आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। और तो अभी सफ़र शुरू होने वाले हैं। Minutes to go from here to there, so first we are then directly we're going to go from here to the shark point. We're going to take 45 minutes from here to there. It's like we are crossing one atoll to another atoll, so first 25 minutes is very calm like this, but and when we cross in another atoll it might be a little bit baby, so I request you guys to stay in your feet, okay? अभी यहाँ पे तो इतना क्लियर वाटर है और यहाँ पे तो ऊपर से आपको शार्क दिख जाएगी, ये देखो आप। अभी हम ये देखिए अभी हम जा रहे हैं पानी के अंदर और इसमें मैंने लगा लिया है मेरा स्नॉर्कलिंग किट। Погружение к акулам. Обычно в этих случаях я говорю, рыба-карась игра началась. Сейчас эта фраза как никогда больше подходит.
भाई ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और लगभग मैं 10 मिनट पानी के अंदर था और ओ माय गॉड क्या सीन था अंदर में। लेकिन अगर आप पहली बार ये करेंगे डाइव और स्नॉर्कलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, जो मुझे आज हुआ क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मुझे मानना पड़ेगा ये जो इनकी जो टूर गाइड है उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और आई एम थैंकफुल टू देम। और हमारे सारे लोग इस बोट में जितने लोग आए थे मापुसी आइलैंड से सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अभी हम एक नया आइलैंड पहुंच गए हैं और इस आइलैंड का नाम है फुलिडो और हमें यहाँ पे अभी लॉन्च करने के लिए लाए गए हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे लोग आए हुए थे हमारे बोट में सारे लोग उतर गए हैं लॉन्च के लिए। इस टूर में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और ये सारे लोग डिफरेंट कंट्री से हैं और इंडिया से सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी जैसे रशियन और ब्राज़ीलियन और इक्वेडर हंगरी और नेदरलैंड्स ये तमाम देशों से लोग आए हुए हैं। Ciao, don't move.
god. भाई अभी लॉन्च हो गया है और लॉन्च के बाद हम जा रहे हैं और एक बीच है यहाँ पे इस आइलैंड में और इसके नाम है बिकिनी बीच। मुझे लगता है मालदीव में हर आइलैंड में एक ना एक बिकिनी बीच है। बट या दिस आइलैंड नो एक्टिविटीज, गॉट योर पॉइंट। भाई ये देखो हम पहुंच गए हैं बिकिनी बीच, काफी खूबसूरत जगह है ये, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल देखने लायक जगह है ये। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे हैं। Brazil. ये भाई देखो आ गया है अभी डॉल्फिन्स, यहाँ पे काफी सारे डॉल्फिन्स हैं आप देख सकते हैं ये। अभी देखिए हमारा ये सफर खत्म हो गया है और हम वापस माफूसी आइलैंड पहुंच गए हैं। इंजन फर्स्ट, ओह या
Angel first. We had a good time today? Yeah, very good. Oh yeah. So finally we have arrived in Mafusi Island. और इस सफ़र में हमारे साथ काफ़ी सारे देशों के लोग थे, जैसे कि नेदरलैंड्स हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील, इटली, हंगेरी, पाकिस्तान, पेरू, ओ माय गॉड, सो मेनी कंट्रीज। सो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही मज़ेदार था ये। और ये हमारा जो टूर गाइड था ब्रदर फ्रॉम मालदीव्स, व्हाट्स योर नेम? मूसा आइकॉन। आइकॉन, तो आइकॉन टूर्स ये सफ़र का ऑर्गेनाइज किया था और ये बहुत ही बढ़िया है, एक्सेलेंट टूर ऑपरेटर है। सो ग्रेट जॉब, वी रियली एंजॉयड। या सो आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया और आई होप ये वीडियो आपने लाइक किया और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।